हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स जो बहुत ही धमाकेदार हैं और ये आपके डेली लाइफ को काफ़ी हद तक आसान बना देंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी ये टिप आपके बहुत काम आने वाली है अगर आपके घर में सिलाई मशीन है और इसमें जब सिलाई करते वक्त अगर कपड़े फंस जाते हैं और अगर आपका सुई कपड़ा खींच रहा है तो इस ट्रिक को आप ज़रूर यूज़ करें। आप एक मोटा सा कागज़ लें और सिलाई मशीन के नीचे यहाँ लगा दें और बर्तन धोने वाला जो स्टील का स्क्रबर है इसको यहाँ नीचे लगाकर इसके ऊपर मशीन चलाएं, लेकिन ध्यान रहे कि नीचे बॉबिन केस या ऊपर धागा ना लगा रहे। सिर्फ आपको ये चलाना है और नीचे पेपर ज़रूर लगाएं, नहीं तो मशीन के नीचे वाले पोर्शन में ये तार फंस सकता है। और धीरे धीरे इसके ऊपर एक दो बार चलाएं, इससे आपकी सुई की धार एकदम तेज़ हो जाएगी और वापस से सुई अच्छे से चलने लगेगी। तो फ्रेंड्स, सब्जी काटने वाले इस चॉपर में आपने कभी आटा नहीं गूंथा होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आप चाहे तो आटा गूंथ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को आटा गूंथना पड़ता है, जैसे हम घर पे नहीं हैं तो वो आटा गूंथने में उन्हें बहुत ही आलस आता है क्योंकि हाथों में नाखून में लग जाने के बाद जल्दी छूटते नहीं है तो बच्चे चिड़ जाते हैं, तो उनके लिए ये टिप बहुत ही अच्छी है। तो उसके लिए क्या करें, थोड़ा थोड़ा करके आटा इसमें डाल लें और पानी डालते जाएँ। पानी एकदम से ज़्यादा ना डालें, थोड़ा थोड़ा डालें और एक बार इसको घुमा लेंगे। पहली बार में ही बहुत सारा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालें और ढक्कन को लगाकर रस्सी को 2 से 3 बार खींच लें। उसके बाद खोल के फिर थोड़ा सा पानी डालें। एक बार में अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आटा गीला हो जाएगा। ढक्कन को खोलने के बाद दोबारा थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे और फिर से ढक्कन लगाकर 2-3 बार और खींचेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा को हम इसी तरह से गूँथेंगे और धीरे धीरे हम खींचेंगे रस्सी को। जैसे जैसे हमारा आटा गूंथते जाएगा रस्सी हमारी टाइट होती जाएगी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा जोर लगा के रस्सी ना खींचे। इससे चॉपर की रस्सी टूटने का डर रहता है। 3 से 4 मिनट में आटा हमारा गूंथ के तैयार हो जाएगा। अब ये हाथ में नहीं लगेगा, इसको आराम से बाहर निकाल लेंगे। ऊपर से तेल या सूखा आटा जो भी लगा कर आप गूंथते हैं उससे इसको गूंथ लीजिए और काफ़ी अच्छा ये आटा तैयार हो जाएगा। तो आटा देखिए तैयार है, अब इसे आप रोटी पराठा कुछ भी बना सकते हैं। जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं 1-2 दिन के लिए या फिर ट्रेन में जाते हैं तो हमें हमेशा साबुन की ज़रूरत पड़ती है या हैंड वॉश को हमें कैरी करना पड़ता है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप मैं आपको बता रही हूँ और ये ज़रूर आपके काम आएगी। इसके लिए मैंने एक साबुन ले लिया है, तो इससे हम इसकी पतली पतली पट्टी निकाल लेंगे। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इसको कैसे निकालना है। इस टाइप का कोई एक डब्बा ले लें और उसमें इसको डाल दें और जब भी ज़रूरत हो इसमें से एक पीस निकालें और उसको पूरा यूज़ कर लें। इस तरह से आपको साबुन का झंझट नहीं रखना पड़ेगा और आपके हाथ भी बिल्कुल साफ हो जाएंगे। तो साबुन की ये वाली ट्रिक आपको पहले से पता थे कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे घरों में बादाम को भिंगाकर खाया जाता है। अगर आपको बादाम भिंगाना है और भूल गए हैं उसके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो उसके लिए स्टील की कोई बोतल ले लें, तो जितनी बादाम इसमें भिंगाना है इसमें डाल दें और फिर इसमें गर्म पानी डाल दें और इसको ढक्कन बंद करके रख दें। याद रखें कि आप प्लास्टिक की बोतल ना लें क्योंकि गर्म पानी डालने के साथ ही बोतल बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसके लिए आपको 4-5 घंटे इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 1 से 1.5 घंटे में ये बादाम अच्छे से भींग जाएगा। तो 1.5 घंटे के बाद बादाम हमारा अच्छे से भींग चुका है और इसके छिलके आसानी से उतर जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप भी इस तरह के ट्रिक यूज़ करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। आजकल मार्केट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस तरह के पैकेट में आती हैं जिसमें जिप लॉक लगा होता है, तो यूज़ करने के बाद इसको हम अक्सर फेंक देते हैं। तो आप इसे फेंकिए नहीं, मैं इन्हें इकट्ठा करके रखती हूँ और मेरे ये बहुत काम आती है। इसमें कोई भी चीज़ रख देने से इसमें कॉकरोच या कोई भी कीड़ा मकोड़े नहीं घुसेंगे। आप इसको सिर्फ फ्रिज में ही नहीं डीप फ्रीजर में भी रख सकते हैं। सर्दी के दिनों में इस तरह से हम लोग बहुत सारी सब्जियाँ लेके आते हैं और गोभी तो इतनी बड़ी बड़ी लेके आते हैं जिसको फ्रिज में रखना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह गोभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और काट कर आप देखेंगे कि जहाँ आप 2 गोभी में आपका फ्रिज भर जा रहा था, 3 से 4 गोभी आप आराम से इसमें डाल के रख सकते हैं। और सिर्फ गोभी ही नहीं, कोई भी सब्जी आप इसमें डालकर इसको फ्रिज में रख सकते हैं और फ्रीजर में रखने वाली चीज़ों को भी इस तरह के जिप लॉक पाउच में आराम से रख सकते हैं। आई होप ये टिप आपको बहुत पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, आज की टिप्स की ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। तो नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।